बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ में भारी दबाव के बाद कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर के बाजार खोलने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया तो लोगों को लगा जैसे एक तरह से कैद से आजाद हो गए। बाजारों में यूं तो वैसे भी भीड़ जुट रही थी, लेकिन भीड़ पर लॉकडाउन व सुपर लॉकडाउन का असर भी देखने में नहीं आया। नतीजा आज सामने आ गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में आज 18 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज शुरुआत में विभागीय सूत्र 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाने की बात बता रहे थे, लेकिन निजी लैब की रिपोर्ट आने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 18 हो गया। इस तरह संक्रमितों का आंकड़ा 520 मेरठ में दर्ज हो गया है। अब तक मेरठ में 33 लोगों की मौत भी कोरोना से हो चुकी है, जबकि आज ब्रह्मपुरी क्षेत्र की एक महिला की भी मौत कोरोना से हुई है। 372 लोग हालांकि अभी तक कोरोना पर जीत दर्ज कर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। बता दें कि हाल ही में एम्स के निदेशक यह दावा भी कर चुके हैं कोरोना का पीक अभी आना बाकी है। आज मेरठ के लोकप्रिय में भी एक मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया। दरअसल डॉक्टर एनपी सिंह के निर्देशन में 42 वर्षीय राहत का इलाज चल रहा था। वह अस्पताल के स्टाफ का रिश्तेदार है। आज सुबह उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसे दोपहर 3:30 बजे मेडिकल कॉलेज भेजा जा सका। डॉक्टर एनपी सिंह ने बताया कि करीब 4 दिन पहले राहत को लोकप्रिय में भर्ती कराया गया था। वह डायबिटीज के साथ चेस्ट में इन्फेक्शन से पीड़ित था। मेडिकल से रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उसे भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट पर कुछ संदेह होने पर प्राइवेट लैब से जांच कराई, जो आज पॉजिटिव आ गई। इसके अलावा आज कैलाशपुरी में भी 2 लोगों को पॉजिटिव पाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने साथ ले गई है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।